प्रेगनेंसी कैसे करने के लिए कितने स्पर्म की जरूरत होती है? क्या स्पर्म की मात्रा जो है एक बच्चे के बनने के यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ज़रूरी है कि उतनी ही मात्रा में होनी चाहिए? तो चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट आपको बताती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरोही और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मज़ेदार फैक्ट्स हेल्दी फैक्ट्स जानने के लिए। स्पर्म और ओवम के मिलने से ही होता है फर्टिलाइजेशन और उससे ही होता है एक बच्चे का निर्माण। जी हाँ, लेकिन ये प्रोसेस के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन कितने स्पर्म की ज़रूरत होती है? तो आपको बता दूं कि एक बच्चे को बनने के लिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए लगभग आपको 20 मिलियन स्पर्म की ज़रूरत होती है। जी हाँ, 20 मिलियन स्पर्म्स। ओ माय गॉड, आपको लगता होगा कि सिर्फ एक स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है, बट 20 मिलियन जो है स्पर्म की ज़रूरत होती है। लेकिन उसमें से सिर्फ एक स्पर्म होता है जो काम का होता है और वही एग को फर्टिलाइज करते हैं। बट फर्टिलाइजेशन के रेस में 20 मिलियन जो है स्पर्म रेस लगाते हैं। कई बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, इसका कारण हो सकता है कि सही मात्रा में स्पर्म का ना मिलना, ना बनना और स्पर्म की प्रोडक्शन कम होना या फिर स्पर्म का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। एक हेल्दी स्पर्म ही एक एग को फर्टिलाइज कर पाता है और होता है एक नन्हे मुन्ने बच्चे का फॉर्मेशन। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक करना और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।